नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले, जिससे आपको भी मदद मिलती रहेगी। हेलो, आई एम गुंजन चौधरी फ्रॉम IIT दिल्ली, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन एंड रोबोटिक्स इन IES मेडिजी एंड CEO फाउंडर कीको इंडियास किताब कॉपी। हर साल मैं करीब 10,000 बच्चों को IES जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता हूँ। और बीइंग अ टीचर, मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपका फाउंडेशन, आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। और एजुकेशन में हमारा नींव बनना शुरू कब होता है? जब हम स्कूल जा रहे होते हैं। तो गार्जियन या पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो मेंटली सेटिस्फाइड तो हो जाते हैं, लेकिन पैरेलली उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। गिवन दैट स्कूल टीचर्स गिव देयर बेस्ट एट अ लिमिटेड टाइम एंड स्कूल मैनेजमेंट गिव देयर बेस्ट, बट वी हैव एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द स्टूडेंट्स वेरी वेरी स्ट्रांग और परिपक्व फॉर द फ्यूचर। अब आप ध्यान से ये सोचो कि क्लास 12th के बाद जब बच्चे कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं, देन दे रियली स्ट्रगल अ लॉट, स्पेशली व्हेन द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द रिमोट एरियाज और से टीयर 2 एंड टीयर 3 प्लेसेस, व्हेन दे ट्रैवल टू दिल्ली, बैंगलोर और से कोटा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो वहां पर परेशानियां या स्ट्रगल को फेस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशंस उतनी मजबूत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, आपको अभी से एनालाइज करना काफी जरूरी है। और अगर आपने अभी से एनालाइज नहीं किया, देन अगेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ह्यूज मनी व्हेन द स्टूडेंट्स विल गो टॉप इन द लैडर। अभी आप थोड़ा ध्यान से ये समझिए कि जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में जब हम अपने बच्चों को एनरोल करवाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसकी तैयारी अगर बच्चा शुरू से करना शुरू करता है तो उसका मेंटल लेवल बढ़ता है, उसका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि UPSC जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे जो ग्रेजुएट ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो क्लास 7, 8, 9, 10 की NCERT बुक्स रेफर करते हैं। तो आप सोचो कि फाउंडेशन को मजबूत करना कितना जरूरी है। तो ये फाउंडेशन मजबूत कैसे होगा? देखिए, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है कीको, जो दो शब्दों से बना है, किताब और कॉपी। सो हियर वी केटर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10th एंड वी डिलीवर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस, एंड अलॉन्ग विद दैट वी टीच सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक एप्लीकेशन है कीको जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें आपको केवल वीडियो ट्यूटोरियल्स ही नहीं, एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF, मोर ओवर टेस्ट पेपर्स और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट 24/7 डाउट क्लियरेंस सपोर्ट, जहां पर आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप अपने डाउट्स को उसमें उस प्लेटफॉर्म में रखें और जो फैकल्टीज हैं वो 24/7 रियल टाइम में उस डाउट्स का जवाब देंगे। तो इतने सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर आना शुरू में हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हमें ये देखना पड़ रहा था कि हम किस वर्ग के लोगों को कैटर कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम बच्चों का फाउंडेशन इतना मजबूत कर दें कि फ्यूचर में वो किसी भी एग्जामिनेशंस में ना निडर होकर उनका सामना कर सके। और पेरेंट्स आर एनीवेज इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द आउटपुट तो ये चिंता का विषय है। तो बीइंग एन एजुकेटर, मेरे लिए तीन चीजें काफी जरूरी है। पहला है सब्सटेंस, इसे कहते हैं तत्व, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। दूसरा है सर्विस, मेरी सेवाएं क्या है। और तीसरा है सैटिस्फैक्शन, एम आई सैटिस्फाइड, आर द पेरेंट सैटिस्फाइड, आर द स्टूडेंट सैटिस्फाइड, एंड इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सब्सटेंस, इफ आई एम एबल टू गिव प्रॉपर सर्विस एंड इफ आई एम एबल टू सैटिस्फाई, आई थिंक बींग एन एजुकेटर माई जॉब इज डन, बींग अ पेरेंट इज योर जॉब डन। तो इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।